भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी। इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व प्रसिद्ध नेता, हम सब बहनों के लाडले भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। मोदी जी, हिमाचल की सभी बहनों की ओर से और देश की करोड़ों करोड़ों बहनों की ओर से आपका सहृदय आभार। मोदी जी, 9 वर्षों के कार्यकाल में आपने कोई कमी हम माँ बहनों के सम्मान में नहीं छोड़ी। आपकी लाई हुई कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसका मुख्य बिंदु महिला ना रहे। हम सब बहनों को आभास है कि आपकी सारी योजना हम बहनों को केंद्र बिंदु मानकर प्रेषित हुई, चाहे जनधन योजना का लाना हो, उज्ज्वला योजना का लाना हो, देश भर में करोड़ों शौचालय इज्जत घर नाम से जो बहनों को आपने समर्पित किए हैं, वो सारी योजनाएं दिखाती हैं कि बहनों के लिए आपके मन में कितनी श्रद्धा। और अभी नए संसद भवन में पहला दिन, वो भी हम माँ बहनों के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जो आपने पेश किया है, माननीय मोदी जी, हम सब बहनें आपकी ऋणी हो गई हैं। ये हम सब बहनों के लिए भावुक क्षण भी है और उमंगित और उत्साहित होने का पल भी है, क्योंकि 27 वर्षों से ये बिल लटक रहा था, छूट रहा था। ये आपके नेतृत्व में और आपके सानिध्य में बहनें उम्मीद कर रही हैं, उम्मीद ही नहीं, बहनें विश्वस्त हैं कि ये बिल पास होगा। मोदी जी, आपका सभी बहनों की ओर से कोटि कोटि आभार, और इस ऐतिहासिक पल में अपनी सभी बहनों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। बहनों, अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ। अभी हम 2024 के चुनावी मोड़ में भी हैं और इस भाई ने हमें ऋणी किया है और इनका ऋण चुकाने का समय आ गया है। और मोदी जी को मैं पुनः एक बार भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आभार प्रेषित करती हूँ। सहृदय आभार मोदी जी।